नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आप लोगों को लेके आया हुआ हूँ उत्तराखंड हरिद्वार में। और अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ पेंटागन मॉल में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये मॉल है और कितना क्लीन है। और यहाँ पे उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल माना जाता है ये पेंटागन मॉल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कितना बड़ा हब है और यहाँ पे कितना बढ़िया डेकोरेट किया गया है। हालांकि अभी सुबह के 10:30 बजे हैं तो पूरी तरह से अभी मॉल खुला नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी हलचल है। आप देख सकते हैं कितना साफ़ सफाई और बिल्कुल क्लीन है। तो अभी हम जो है फ्रंट से आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया जो है यहाँ पे साफ़ सफाई है, कितना अच्छा यहाँ पे लगेगा, बहुत बढ़िया। और आप लोग भी यहाँ पे आओ और मस्ती करो। आप यहाँ पे देख सकते हैं खाने पीने का चीज़ से लेके हर चीज़ का शॉपिंग होता है। और यहाँ पे साइड में आपको एंट्रेंस गेट दिख रहा है। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ तो ये आपका पीछे एंट्रेंस गेट है। एंट्रेंस गेट काफ़ी खूबसूरत है। और ये सामने जो है दुकानें हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिफ्ट है। और यहाँ पे बहुत सारे दुकानें हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए भी काफ़ी कुछ यहाँ के आइटम्स है। और यहाँ पे खाने पीने की सामग्री भी मिलेगा। सेल्स हाउस आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त यहाँ पे दुकानें, देखो कितना बढ़िया यहाँ पे सजाया गया है। और ये आपका मॉल है तो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग भी यहाँ पे आए। और यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं चॉकलेट खंडो और छोटे छोटे शॉप्स, छोटे बच्चों का बाइक। वाह कितना सुंदर बाइक है, आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत है। कार भी है और ये खेलने के लिए बच्चों के लिए। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे काफ़ी अच्छा मॉल है, आप लोग भी आइए यहाँ पे घूमने के लिए, बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये सिडकुल में है पेंटागन मॉल, हरिद्वार से लगभग
10 से 12 किलोमीटर दूरी पे है और ये इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ पड़ेगा। आप भी आएँ और यहाँ का आनंद उठाएँ। तो हमने तो भैया पूरा आनंद उठाया और आज मूवी भी देखने का प्लान है यहाँ पे। बाकी हमने तो घूम लिया और आप लोग भी आइए और यहाँ पे टाइम एक्सपेंड कीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इसी के साथ हम लोग थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।